लव्य व्यवस्था अध्याय 11। लव्य व्यवस्था अध्याय 11। शुद्ध और अशुद्ध मांस की विधि। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, इस्राएलियों से कहो कि जितने पशु पृथ्वी पर हैं, उन सबों में से तुम इन जीवधारियों का मांस खा सकते हो। पशुओं में से जितने चिरे व फटे खुर के होते हैं और पागुर करते हैं, उन्हें खा सकते हो। परंतु पागुर करने वाले व फटे खुर वाले में से इन पशुओं को न खाना, अर्थात ऊंट, जो पागुर तो करता है परंतु चिरे खुर का नहीं होता, इसलिए वह तुम्हारे लिए अशुद्ध ठहरा है। और शापान, जो पागुर तो करता है परंतु चिरे खुर का नहीं होता है, वह भी तुम्हारे लिए अशुद्ध है। और खरहा, जो पागुर तो करता है परंतु चिरे खुर का नहीं होता, इसलिए वह भी तुम्हारे लिए अशुद्ध है। और सुअर, जो चिरे अर्थात फटे खुर का होता है परंतु पागुर नहीं करता, इसलिए वह तुम्हारे लिए अशुद्ध है। इनके मांस में से कुछ न खाना और इनकी लोथ को छूना भी नहीं, ये तो तुम्हारे लिए अशुद्ध है। फिर जितने जल जंतु हैं, उनमें से तुम इन्हें खा सकते हो, अर्थात समुद्र व नदियों के जीव जंतुओं में से जितनों के पंख और चोटे होते हैं, उन्हें खा सकते हो। और जलचरी प्राणियों में से जितने जीवधारी बिना पंख और चोटे के समुद्र व नदियों में रहते हैं, वे सब तुम्हारे लिए घृणित है, वे तुम्हारे लिए घृणित ठहरे। तुम उनके मांस में से कुछ न खाना और उनकी लोथों को अशुद्ध जानना। जल में जिस किसी जंतु के पंख और चोटे नहीं होते, वह तुम्हारे लिए अशुद्ध है। फिर पक्षियों में से इनको अशुद्ध जानना, ये अशुद्ध होने के कारण खाए न जाए, अर्थात उकाब, हड़फोड़, कुरर, शाही और भांति भांति की चील और भांति भांति के सब काग, शुतुरमुर्ग, तखमास, जलकुक्कड़ और भांति भांति के बाज, हवासील, हाड़गिल, उल्लू, राजहंस, धनेश, गिद्ध, लगलग, भांति भांति के बगुले, टिहरी और चमगीदड़। जितने पंख वाले चार पांव के बल चलते हैं, वे सब तुम्हारे लिए अशुद्ध है। पर रेंगने वाले और पंख वाले जो चार पांव के बल चलते हैं, जिनके भूमि पर कूदने फांदने को टांगे होती है, उनको खा सकते हैं। वे ये हैं, अर्थात भांति भांति की टिड्डी, भांति भांति के फनगे, भांति भांति के हरगोल और भांति भांति के हगाब। परंतु और सब रेंगने वाले पंख वाले जो चार पांव वाले होते हैं, वे तुम्हारे लिए अशुद्ध है और इनके कारण तुम अशुद्ध ठहरोगे। जिस किसी से इनकी लोथ छुई जाए, वह सांझ तक अशुद्ध ठहरे, और जो कोई इनकी लोथ में का कुछ भी उठाए, वह अपने वस्त्र धोए और सांझ तक अशुद्ध रहे। फिर जितने पशु चिरे खुर के होते हैं परंतु न तो बिल्कुल फटे खुर और न पागुर करने वाले हैं, वे तुम्हारे लिए अशुद्ध है। जो कोई उन्हें छुए, वह अशुद्ध ठहरेगा। और चार पांव के बल चलने वालों में से जितने पंजों के बल चलते हैं, वे सब तुम्हारे लिए अशुद्ध है। जो कोई उनकी लोथ छुए, वह सांझ तक अशुद्ध रहे, और जो कोई उसकी लोथ उठाए, वह अपने वस्त्र धोए और सांझ तक अशुद्ध रहे, क्योंकि वे तुम्हारे लिए अशुद्ध है। और जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, उनमें से ये रेंगने वाले तुम्हारे लिए अशुद्ध है, अर्थात नेवला, चूहा और भांति भांति के गोह और छिपकली, मगर, टिकटिक, सांडा और गिरगिटान, सब रेंगने वालों में से ये ही तुम्हारे लिए अशुद्ध है। जो कोई इनकी लोथ छुए, वह सांझ तक अशुद्ध रहे। और इनमें से किसी की लोथ जिस किसी वस्तु पर पड़ जाए, वह भी अशुद्ध ठहरे, चाहे वह काठ का कोई पात्र हो, चाहे वस्त्र, चाहे खाल, चाहे बोरा, चाहे किसी काम का कैसा भी पात्रादि हो, क्यों न हो,
वह जल में डाला जाए और सांझ तक अशुद्ध रहे, तब शुद्ध समझा जाए। और यदि मिट्टी का कोई पात्र हो जिसमें इन जंतुओं में से कोई पड़े, तो उस पात्र में जो कुछ हो वह अशुद्ध ठहरे, और पात्र को तुम तोड़ डालना। उसमें जो खाने के योग्य भोजन हो जिसमें पानी का छुआ हो वह सब अशुद्ध ठहरे। फिर यदि ऐसे पात्र में पीने के लिए कुछ हो तो वह भी अशुद्ध ठहरे। और यदि इनकी लोथ में का कुछ तंदूर व चूल्हे पर पड़े तो वह भी अशुद्ध ठहरे और तोड़ डाला जाए, क्योंकि वह अशुद्ध हो जाएगा, वह तुम्हारे लिए भी अशुद्ध ठहरे। परंतु सोता व तालाब जिसमें जल इकट्ठा हो वह तो शुद्ध ही रहे, परंतु जो कोई इनकी लोथ को छुए वह अशुद्ध ठहरे। और यदि इनकी लोथ में का कुछ किसी प्रकार के बीज पर जो बोने के लिए हो पड़े तो वह बीज शुद्ध रहे। पर यदि बीज पर जल डाला गया हो और पीछे लोथ में का कुछ उस पर पड़ा जाए तो वह तुम्हारे लिए अशुद्ध ठहरे। फिर जिन पशुओं के खाने की आज्ञा तुमको दी गई है, यदि उनमें से कोई पशु मरे तो जो कोई उसकी लोथ छुए वह सांझ तक अशुद्ध रहे, और उसकी लोथ में से जो कोई कुछ खाए वह अपने वस्त्र धोए और सांझ तक शुद्ध रहे, और जो कोई उसकी लोथ उठाए वह भी अपने वस्त्र धोए और सांझ तक अशुद्ध रहे। और सब प्रकार के पृथ्वी पर रेंगने वाले वस्तु रेंगने वाले जंतु घिनौने हैं, वे खाए न जाए। पृथ्वी पर सब रेंगने वालों में से जितने पेट व चार पांव के बल चलते हैं व अधिक पाव वाले होते हैं उन्हें तुम न खाना, क्योंकि वे घिनौने हैं। तुम किसी प्रकार के रेंगने वाले जंतुओं के द्वारा अपने आप को घिनौना न करना और न उनके द्वारा अपने को अशुद्ध करके अपवित्र ठहराना, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। इस कारण अपने को शुद्ध करके पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं पवित्र हूं। इसलिए तुम किसी प्रकार के रेंगने वाले जंतु के द्वारा जो पृथ्वी पर चलता है अपने आप को अशुद्ध न करना, क्योंकि मैं वह यहोवा हूं जो तुम्हें मिस्र देश से इसलिए निकालने आया हूं कि तुम्हारा परमेश्वर ठहरू। इसलिए तुम पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूं। पशुओं, पक्षियों और सब जलचरी प्राणियों और पृथ्वी पर सब रेंगने वाले प्राणियों के विषय में यही व्यवस्था है कि शुद्ध अशुद्ध और भक्षय और अभक्षय जीवधारियों में भेद किया जाए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12वां अध्याय। फिर यीशु फसह से 6 दिन पहले बैतनिया में आया, जहां लाजर था जिसे यीशु ने मरे हुओं में से जिलाया था। वहां उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया और मर्था सेवा कर रही थी, और लाजर उनमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठे थे। तब मरियम ने जटामासी का आध सेर बहुमोल इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोछे, और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नाम एक चेला जो उसे पकड़वाने पर था कहने लगा, यह इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों न दिया गया। उसने यह बात इसलिए न कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वह चोर था और उसके पास उनकी थैली रहती थी और उसमें जो कुछ डाला जाता था वह निकाल लेता था। यीशु ने कहा, उसे मेरे गाड़े जाने के दिन के लिए रहने दे, क्योंकि कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदा न रहूंगा। यहूदियों में से साधारण लोग जान गए कि वह वहां है, और वे न केवल यीशु के कारण आए, परंतु इसलिए भी कि लाजर को देखें जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया था। तब महायाजकों ने लाजर को भी मार डालने की सम्मति की, क्योंकि उसके कारण बहुत से यहूदी चले गए और यीशु पर विश्वास किया। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे यह सुनकर कि यीशु यरूशलेम में आता है, खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे कि होशाना, धन्य इस्राएल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है,
जब यीशु को एक गधे का बच्चा मिला तो उस पर बैठा, जैसा लिखा है कि हे सियोन की बेटी मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है। उसके चेले ये बातें पहले न समझे थे, परंतु जब यीशु की महिमा प्रकट हुई तो उनको स्मरण आया कि ये बातें उसके विषय में लिखी हुई थीं और लोगों ने उससे इस प्रकार का व्यवहार किया था। तब भीड़ के लोगों ने, जो उस समय उसके साथ थे, यह गवाही दी कि उसने लाजर को कब्र में से बुलाकर मरे हुओं में से जिलाया था। इसी कारण लोग उससे भेंट करने को आए थे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि उसने यह आश्चर्य कर्म दिखाया है। तब फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो सही कि तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता, देखो संसार उसके पीछे हो चला है। जो लोग उस पर्व में भजन करने आए थे उनमें से कई यूनानी थे। उन्होंने गलील के बैतसैदा के रहने वाले फिलिप्पुस के पास आकर उससे विनती की कि श्रीमान, हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं। फिलिप्पुस ने आकर अन्द्रियास से कहा, तब अन्द्रियास और फिलिप्पुस ने यीशु से कहा। इस पर यीशु ने उनसे कहा, वह समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खो देता है, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। अब मेरा जी व्याकुल हो रहा है, इसलिए अब मैं क्या कहूं? हे पिता, मुझे इस घड़ी से बचा, परंतु मैं इसी कारण इस घड़ी को पहुंचा हूं। हे पिता, अपने नाम की महिमा कर। तब यह आकाशवाणी हुई कि मैंने उसकी महिमा की है और फिर भी करूंगा। तब जो लोग खड़े हुए सुन रहे थे उन्होंने कहा कि बादल गरजा, औरों ने कहा कोई स्वर्गदूत उससे बोला। इस पर यीशु ने कहा, यह शब्द मेरे लिए नहीं परंतु तुम्हारे लिए आया है। अब इस जगत का न्याय होता है, अब इस जगत का सरदार निकाल दिया जाएगा, और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। ऐसा कहकर उसने यह प्रकट कर दिया कि वह कैसी मृत्यु से मरेगा। इस पर लोगों ने उससे कहा कि हमने व्यवस्था की यह बात सुनी है कि मसीह सर्वदा रहेगा, फिर तू क्यों कहता है कि मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाया जाना अवश्य है? यह मनुष्य का पुत्र कौन है? यीशु ने उनसे कहा, ज्योति अब थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है, जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है तब तक चले चलो, ऐसा न हो कि अंधकार तुम्हें आ घेरे। जो अंधकार में चलता है वह नहीं जानता कि किधर जाता है। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, ज्योति पर विश्वास करो कि तुम ज्योति के संतान हो। ये बातें कहकर यीशु चला गया और उनसे छिपा रहा, और उसने उनके सामने इतने चिन्ह दिखाए तो भी उन्होंने उस पर विश्वास न किया, ताकि यशाया भविष्यवक्ता का वचन पूरा हो जो उसने कहा कि हे प्रभु, हमारे समाचार की किसने प्रतीति की है, और प्रभु का भुजबल किस पर प्रकट हुआ? इस कारण वे विश्वास न कर सके, क्योंकि यशाया ने फिर भी कहा कि उसने उनकी आंखें अंधी और उनका मन कठोर किया है, कहीं ऐसा न हो कि वे आंखों से देखें और मन से समझें और फिरें और मैं उन्हें चंगा करूं। यशाया ने ये बातें इसलिए कहीं कि उसने उसकी महिमा देखी और उसने उसके विषय में बातें की। तो भी सरदारों में से भी बहुतों ने उस पर विश्वास किया, परंतु फरीसियों के कारण प्रकट में नहीं मानते थे, ऐसा न हो कि आराधनालय में से निकाले जाएं, क्योंकि मनुष्यों की प्रशंसा उनको परमेश्वर की प्रशंसा से अधिक प्रिय लगती थी। यीशु ने पुकार कर कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है वह मुझ पर नहीं वरन मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, और जो मुझे देखता है वह मेरे भेजने वाले को देखता है। मैं जगत में ज्योति होकर आया हूं ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में न रहे। यदि कोई मेरी बातें सुनकर न माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता,
क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूँ। जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता है उसको दोषी ठहराने वाला तो एक ही है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा, क्योंकि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि क्या क्या कहूं और क्या क्या बोलूं, और मैं जानता हूं कि उसकी आज्ञा अनंत जीवन है, इसलिए मैं जो बोलता हूं वह जैसा पिता ने मुझसे कहा है वैसा ही बोलता हूं। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 33। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 33। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान अपने लोगों से कह, जब मैं किसी देश पर तलवार चलाने लगू और उस देश के लोग किसी को अपना पहरुआ करके ठहराए, तब यदि वह यह देखकर कि इस देश पर तलवार चला चाहती है नरसिंगा फूक कर लोगों को चिता दे, तो जो कोई नरसिंगे का शब्द सुनने पर न चेते और तलवार के चलने से मर जाए उसका खून उसी के सिर पड़ेगा। उसने नरसिंगे का शब्द सुना परंतु न चेता, सो उसका खून उसी को लगेगा, परंतु यदि वह चेत जाता तो अपना प्राण बचा लेता। परंतु यदि पहरुआ यह देखने पर कि तलवार चला चाहती है नरसिंगा फूक कर लोगों को न चिताए और तलवार के चलने से उसमें से कोई मर जाए, तो वह तो अपने अधर्म में फंसा हुआ मर जाएगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं पहरुए ही से लूंगा। इसलिए हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इस्राएल के घराने का पहरुआ ठहरा दिया है, तू मेरे मुंह के वचन सुन सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिता दे। यदि मैं दुष्ट से कहूं, हे दुष्ट तू निश्चय मरेगा, तब यदि तू दुष्ट को उसके मार्ग के विषय न चिताए तो वह दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा। परंतु यदि तू दुष्ट को उसके मार्ग के विषय चिताए कि वह अपने मार्ग से फिरे और वह अपने मार्ग से न फिरे, तो वह तो अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु तू अपना प्राण बचा लेगा। फिर हे मनुष्य के संतान, इस्राएल के घराने से यह कह, तुम लोग कहते हो हमारे अपराधों और पापों का भार हमारे ऊपर लदा हुआ है और हम उसके कारण गलते जाते हैं, हम कैसे जीवित रहे, सो तूने उनसे यह कह, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। हे इस्राएल के घराने, तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिर जाओ, तुम क्यों मरो, और हे मनुष्य के संतान अपने लोगों से यह कह, जब धर्मी जन अपराध करे तब उसका धर्म उसे बचा न सकेगा, और दुष्ट की दुष्टता भी जो हो जब वह उससे फिर जाए तो उसके कारण वह न गिरेगा, और धर्मी जन जब वह पाप करे तब अपने धर्म के कारण जीवित न रहेगा। यदि मैं धर्मी से कहूं कि तू निश्चय जीवित रहेगा और वह अपने धर्म पर भरोसा करके कुटिल काम करने लगे, तब उसके धर्म के कामों में से किसी का स्मरण न किया जाएगा, जो कुटिल काम उसने किए हो वह उन्हीं में फंसा हुआ मरेगा। फिर जब मैं दुष्ट से कहूं तू निश्चय मरेगा और वह अपने पाप से फिरकर न्याय और धर्म के काम करने लगे, अर्थात यदि दुष्ट जन बंधक फेर दे, अपनी लूटी हुई वस्तुएं भर दे और बिना कुटिल काम किए जीवनदायक विधियों पर चलते रहे, तो वह न मरेगा, वह निश्चय जीवित रहेगा। जितने पाप उसने किए हो उनमें से किसी का स्मरण न किया जाएगा, उसने न्याय और धर्म के काम किए और वह निश्चय जीवित रहेगा। तो भी तुम्हारे लोग कहते हैं प्रभु की चाल ठीक नहीं, परंतु उन्हीं की चाल ठीक नहीं है। जब धर्मी अपने धर्म से फिरकर कुटिल काम करने लगे, तब
निश्चय वह उनमें फंसा हुआ मर जाएगा, और जब दुष्ट अपनी दुष्टता से फिरकर न्याय और धर्म के काम करने लगे तब वह उनके कारण जीवित रहेगा। तो भी तुम कहते हो कि प्रभु की चाल ठीक नहीं। हे इस्राएल के घराने, मैं हरेक व्यक्ति का न्याय उसकी चाल ही के अनुसार करूंगा। फिर हमारी बंधुआई के 11वें वर्ष के 10वें महीने के 5वें दिन को एक व्यक्ति जो यरूशलेम से भागकर बच गया था, वह मेरे पास आकर कहने लगा, नगर ले लिया गया। उस भागे हुए के आने से पहले सांझ को यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई थी, और भोर तक अर्थात उस मनुष्य के आने तक उसने मेरा मुंह खोल दिया। सो फिर मेरा मुंह खुला ही रहा और मैं फिर गुंगा न रहा। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, इस्राएल की भूमि के उन खंडहरों के रहने वाले यह कहते हैं, इब्राहिम एक ही मनुष्य था तो भी देश का अधिकारी हुआ, परंतु हम लोग बहुत से हैं, इसलिए देश निश्चय हमारे ही अधिकार में दिया गया है। इस कारण तू उनसे कह, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, तुम लोग तो मांस लोहू समेत खाते और अपनी मूर्तों की और दृष्टि करते और हत्या करते हो, फिर क्या तुम उस देश के अधिकारी रहने पाओगे? तुम अपनी अपनी तलवार पर भरोसा करते और घिनौने काम करते और अपने अपने पड़ोसी की स्त्री को अशुद्ध करते हो, फिर क्या तुम उस देश के अधिकारी रहने पाओगे? तू उनसे यह कह, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, मेरे जीवन की सौगंध, निसंदेह जो लोग खंडहरों में रहते हैं वे तलवार से गिरेंगे, और जो खुले मैदान में रहते हैं उसे मैं जीव जंतुओं का आहार कर दूंगा, और जो गड्ढों और गुफाओं में रहते हैं वे मरी से मरेंगे, और मैं उस देश को उजाड़ ही उजाड़ कर दूंगा और उसके बल का घमंड जाता रहेगा, और इस्राएल के पहाड़ ऐसे उजड़ेंगे कि उन पर होकर कोई न चलेगा। सो जब मैं उन लोगों के लिए हुए सब घिनौने कामों के कारण उस देश को उजाड़ ही उजाड़ कर दूंगा, तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। और हे मनुष्य के संतान, मेरे लोग भीतों के पास और घरों के द्वारों में तेरे विषय में बातें करते और एक दूसरे से कहते हैं, आओ सुनो कि यहोवा की ओर से कौन सा वचन निकलता है। वे प्रजा की नाई तेरे पास आते और मेरी प्रजा बनकर तेरे सामने बैठकर तेरे वचन सुनते हैं, परंतु वे उन पर चलते नहीं। मुंह से तो वे बहुत प्रेम दिखाते हैं, परंतु उनका मन लालच ही में लगा रहता है, और तू उनकी दृष्टि में प्रेम के मधुर गीत गाने वाले और अच्छे बजाने वाले का सा ठहरा है, क्योंकि वे तेरे वचन सुनते तो है परंतु उन पर चलते नहीं। सो जब यह बात घटेगी, और वह निश्चय घटेगी, तब वे जान लेंगे कि हमारे बीच एक भविष्यवक्ता आया था।